अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को फिजिक वो कॉन्टैक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमैट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमैट निकले। दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ। कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच में, जैसे बलराम थे या रुकमा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी, कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी वो फिजिकल मटीरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान, जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता उन्होंने